बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब आज की वीडियो थोड़ा हटके है, आज कोई मार्केट ब्लॉग नहीं है, आज कोई फूड ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कल रात को जो हमारा मीटअप हुआ था हमारे यूट्यूबर्स भाई बहनों के साथ, आज की वीडियो उसके लिए है। छोटा सा मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे और इसमें आपसे एडवांस जो है मैं माजर चाहती हूँ, थोड़ी सी आवाज़ का इशू हो रहा था क्योंकि ओपन ईयर में जो है सारी वीडियोज़ चल रही थी, शायद मेरा माइक नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा चल रहा है, बहरहाल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए एडवांस में आपसे बहुत बहुत माजरत। वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बिहाइंड द कैमरा हम लोग किस तरह वीडियोस बना रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी सारे हमारे कराची के जो है नाम इसके अंदर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं, ईट एंड डिस्कवर, बाबर डार और पाकिस्तान के साथ तनवीर बहलवी, और इसके अलावा अब्बास का पाकिस्तान, अब्बास भाई और शहरियार भाई, और बहुत सारे नाम हैं जनाब जो आप वीडियो के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत लोग इस वक्त हम लोग मौजूद थे और जब ये हम लोगों ने मीटअप डिसाइड किया था तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग सब जो है इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह जो है सबसे मिल सकेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, एक यादगार हमारी शाम थी जो मैं चाहती थी कि हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। अच्छा, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंस रोड पर। बंस रोड जो है मशहूर है अपनी फूड स्ट्रीट के हवाले से, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ जमा हुए, इकट्ठे हुए, मिलके हमने बहुत अच्छा ज़बरदस्त खाना जो है वो एंजॉय किया, और यकीन जाने बहुत अच्छा एक देखें खाने की लज्जत जब दुबाला हो जाती है जब आपके साथ बैठे हुए आपकी गैदरिंग बहुत अच्छी हो, तो माशाल्लाह हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत कुछ देखने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और तमाम यूट्यूबर्स भाई बहनों को जो है हम लोगों ने अपने साथ आइडियाज़ भी शेयर किए, एक दूसरे की जो है वो बात भी सुनी, और इस तरह मिलने से मिलाने से आपके बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिलों में रह जाती हैं, तो इस तरह मिलने मिलाने से वो बातें भी जो है वो निकल के बाहर आ जाती हैं। बस यही इस मीटअप का जो है वो ख़ास मकसद था। और दूसरा जो बड़ा मकसद था वो बाबर भाई ने जो डिसाइड किया था वो ये था कि एक कराची यूट्यूबर्स की एसोसिएशन जो है वो बनाई जाए और उस पर जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला ये आज का फर्स्ट मीटअप जो था वो हम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हम पीपल्स क्वायल भी लिए, वीडियो के लास्ट में देखिएगा, वहाँ जाके हमने एक छोटी सी मीटिंग भी रखी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, वीडियो दिखाने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक यूट्यूबर जो है हम एक हमारी कम्युनिटी है, एक हम जो कम्युनिटी के अंदर जैसे आप अपनी फैमिली की कोई वीडियो शेयर करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब मेरी फैमिली है और सब आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो खुशी बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और इस मज़े मज़े की बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। खुशी यही की है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वीडियो के अंदर ऐड की जाए। जब आपने पिछले तीन वीडियो में जब आइए मेरी शादी की बात की आपने, कोई बात नहीं, आगे देखें शादी तो करना अच्छी बात है ना, घर 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 बसा रहे हैं, घर घर बसा रहे हैं ऐसे नए से नए लोगों के, अमीर 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 खातून हो तो मैं देखिए आप पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने का, आप हमेशा हमें मेरे बुलाने पे आ जाती है, मैं हमेशा शुरू से बेशक उसका का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, हमारी सीनियर है, मेरी बहन है बड़ी, और यहाँ आज जमा होने का मकसद ये है कि आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब एसोसिएशन बनाई जाए जिसके अंदर सारे यूट्यूबर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और ये सारे सबकी एक आवाज़ हो ताकि आगे चल के हमें जब इसको इंटरनेशनल लेवल पे या किसी लेवल पे लेके जाना हो तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम इसको आगे पेश कर सकें। अभी हम उसी मराइल में चल रहे हैं, उसी वजह से हमने यहाँ पे एक गाँव लेके सारे जो है यहाँ पर आए, इंशाल्लाह यहाँ पे खाना भी खाएंगे, आप खाने का रिव्यू भी दीजिएगा और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आपसे कुछ फाइनल डिस्कशन भी करेंगे। आप हैं हमारे साथ? बिल्कुल, मैं तो हर आपकी पोस्ट में देखती हूँ, कोई कमेंट शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन देखती हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह, आप हमारी सीनियर भी है और अच्छा लगता है आप लोगों से सीखने में और आप लोग सीखते हैं तो हौसला बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि आप तो माशाल्लाह काम कर रही है कि कम्युनिटी बिल्ड कर सके ना, देखिए हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है ना, भले हम एक दूसरे के कम्प्यूटर होते हैं काम कर जाते हैं, फैमिली है, हमें फैमिली की तरह रहना है, एक दूसरे का सहारा बनना है,
और देखिए अच्छे काम को प्रमोट कर रहा है। बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं तो वो पीछे ले जाते हैं, डिसहार्टेड हो जाते हैं। डिसहार्टेड नहीं करना, उनको मोटिवेट ही करना है यहाँ पर बुलाने का। अब वो बुलाने का मकसद ये है कि सीनियर से इसको बताए, लोगों को ताना दे देखे काम अच्छा करेंगे तो फायदा होगा। और ये पीसी है ना, कभी ना कभी खुद भी है ना, आज भी कल आ जाए। ये बहुत फौरी वाला काम है, ये तत्काल काम नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना पैशन है, जैसे आप ये प्लेटर खा के आपको मजा आएगा ना, तो वैसे अच्छी वीडियो बना के आपको मजा आएगा। और इनसे देख के सीखी है बहुत सारी चीजें। बोलते हैं कि आपका आपको ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक उर्दू जबानी नहीं है, इसमें मैं दिल से ये बात कहता हूँ कि आपको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी, ईमानदारी और इंशाल्लाह उम्र भी बहुत सारी। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो चीज़ है वो शेफ उस्मा के जितने भी व्यूवर्स हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। हमें तो बड़ी अच्छा लगता है कि हम जब शेफ उस्मा की वीडियो देखते हैं, उनकी कहती है हमें, तो हमें बहुत मज़ा आता है, ईमानदारी लगता है। अच्छा आज के उसके बारे में क्या बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त काम चल रहा है सारे यूट्यूब। एक ईमानदारी की बात है, कैमरे की बात है, कैमरा भी बंद नहीं होगा मैं जब भी ना बोलते मांगा, जो काम है माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद है और मज़ा आता है। ये जनाब सारी फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये प्लेटर हाउस की मज़ेदार फूड की है। ये सारा खाना जो है अभी हम लोग इंजॉय भी करेंगे। इनकी काफ़ी सारी जो है मेन कोर्स है, मेन डिशेस हैं, प्लेटर्स हैं सारे, जो दो अफराद के, छः अफराद के, सात अफराद और 11 से 12 अफराद के भी प्लेटर जो है इनके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, ख़ास रिव्यू तो मैं आपको इसका फूड का नहीं दे सकी, इंशाल्लाह इनके लिए एक और अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो फिलहाल देखिए इस खाने को देख के इंजॉय कीजिए, और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, हाईली रिकमेंड करूँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छा दो तीन चीज़ें हमने ट्राई की, तो वो मैं वैसे भी वॉइस ओवर दे रही हूँ, दो तीन चीज़ें ट्राई की। इनका जो प्लेटर हमारे पास आया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त उसके जो नीचे के जो चावल थे वो बहुत अच्छे राइस के साथ माशाल्लाह बने हुए थे, बिल्कुल माइल्ड उसका स्पाइसेस थे। इसी तरह बाकी सारा प्लेटर के अंदर जो भी बारबेक्यू आइटम था, कबाब थे इसके अंदर, इसके अंदर एक टिक्का था, और इसके अंदर जो है चिकन कबाब भी था, इसके अंदर सीख कबाब भी था। ये तमाम प्लेटर जो है ये हमारे हमें सर्व किया गया था, और थैंक यू सो मच बाबर भाई, आज की जो दावत थी ये बाबर भाई ने अरेंज की थी माशाल्लाह, और अल्लाह आपके काम में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो ये ख़ास दावत जो थी हम यूट्यूबर्स को, ये बाबर भाई की तरफ से थी। बाबर भाई मतलब ईट एंड डिस्कवर बाबर डार, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है चरगा जो है वो सर्व किया गया था। चरगा मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस उसके थोड़े से तीखे लगे, लेकिन माशाल्लाह अच्छा बना हुआ था। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यकीनन आप उसको जो है पसंद करेंगे। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए बर्गर्स भी जो है वो, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कुछ बच्चे भी थे तो उन बच्चों के लिए स्पेशली बर्गर भी जो है वो ऑर्डर किए गए थे, तो वो बर्गर भी मैंने ट्राई किया था माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। मतलब फ़ास्ट फूड भी आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है, आपको बारबेक्यू प्लेटर तो है ही इनका सिग्नेचर, आप ज़रूर आएँ इसको ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह आप खा के आपको भी मज़ा आएगा। चले आए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हुआ, किस तरह हुआ। कोई कैमरे की तरफ
यार एक मिनट आओ भाई।